जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन, जिसमें नीमा छात्र संगठन द्वारा मध्य प्रदेश मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छात्र संगठन की मुख्य मांग थी कि विश्वविद्यालय छात्रों का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर घोषित करे, बार बार परीक्षाओं की तिथियां न बढ़ाए। विश्वविद्यालय में कुछ चिन्हित शिक्षक जो पूर्व में भी विश्वविद्यालय की अनैतिक गतिविधियों में शामिल थे, जिनके खिलाफ अन्य छात्र संघ द्वारा साक्षी प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय में काम न किए जाने का आश्वासन कुलपति महोदय द्वारा मिला, परंतु फिर उन शिक्षकों को विश्वविद्यालय में कार्य दिया गया है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देता है। विश्वविद्यालय में चल रहे आउटसोर्स के अवैध टेंडर को तत्काल निरस्त कर नए तरीके से टेंडर कराया जाए। आर्विद छात्र संगठन संपूर्ण मध्य प्रदेश के आर्विद स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय आए हैं, जिनमें हमारा मुख्य मांग है कि लगातार हम लोगों ने ऐसे कई शिक्षक हैं जिनको चिन्हित किया था, जो कि विश्वविद्यालय में अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित थे। अन्य छात्र संगठनों ने कई बार इस मामले को उठाया, जिसमें बोला गया कि इनसे शिक्षकों से कार्य न कराया जाए। उसके परिणामस्वरूप आज भी उन शिक्षकों से दोबारा फिर उनको विश्वविद्यालय में लाके उनके ऊपर ताज पहनाकर उनसे कार्य कराया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो पैसे दे वाले छात्र हैं वो टॉप कर रहे हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो यहाँ पर धक्के खा के पास, बड़ी मुश्किल में पास हो रहे हैं। पहला ये है। दूसरा है कि यहाँ पे अवैध टेंडर चल रहा है आउटसोर्स का, जो कि मार्च में ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसको लगातार बढ़ाया गया है, और आउटसोर्स के टेंडर को बढ़ाए जाने के कारण ये स्थिति निर्मित हो गई। यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारी पास फैल का गोरख धंधे में संलिप्त हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तीसरा हमारा जो है कि विश्वविद्यालय द्वारा रिवेल्यूशन के फॉर्म भराए जाते हैं। रिवेल्यूशन के फॉर्म में आज तक मध्य प्रदेश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां रिवेल्यूशन के फॉर्म में प्रिंसिपल या डीन फॉर्म फॉरवर्ड करता हो, लेकिन मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस में एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर रिवेल्यूशन का फॉर्म प्रिंसिपल व डीन के माध्यम से फॉरवर्ड होता है, जिसमें छात्र पहले तो वहाँ पैसा देता है, उसके बाद जब रिवेल्यूशन का फॉर्म भरता है तो रिवेल्यूशन का जो रिजल्ट है तो रिजल्ट एक साथ ना निकल के एक एक दो दो विद्यार्थियों का निकाला जाता है, और वो भी संदिग्ध स्थिति में निकाला जाता है कि पता चला किसी के 40 नंबर बढ़ा दिए रहे हैं, और यदि एक नंबर से छात्र फेल है और यदि वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसको फिर फेल ही किया जाता है और रिजल्ट वापस नहीं निकाला। और ऐसे कई जगह मतलब कई साक्ष्य मेरे पास आज भी प्रस्तुत है। इसके पहले मेडिकल MBBS में ऐसा हो चुका है, जिसके हमने साक्ष्य माननीय कुलपति महोदय को दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन है और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई अधिकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, कोई सुनने नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ सुनने को तैयार नहीं है छात्रों को, सिर्फ छात्र यहाँ आए हैं और बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक कोई आता नहीं। लेकिन आज इसका स्थिति यह है कि इससे पहले हम लोग जितनी भी मतलब क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी थी, रीजनल यूनिवर्सिटी थी, चाहे वो RDBB हो, बरकतुल्ला हो, तो वहाँ पर छात्रों को एक रिस्पॉन्स मिलता था छात्रों की सुनने के लिए। यदि मान लो कुलपति नहीं तो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार नहीं तो कोई व्यक्ति आता था, लेकिन इधर पे इस टाइप की कोई भी स्थिति नहीं है। छात्र लगातार एक घंटे से यहाँ पे बैठे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। इधर देखिए, छात्रों ने बहुत ही अपने विचार जो व्यक्त किए बहुत ही शालीनता से व्यक्त किए, कोई घेराव वाली कोई स्थिति नहीं थी यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से अपने मांगे रखी, और मैं उनको काफ़ी साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के जो अनुशासन तरीके से उन्होंने ज्ञापन दिया। अब इसमें मुद्दे की बात यह है समझने की कि जो उन्होंने मांगे रखी हैं, ज़्यादातर मांगे इनकी पूरी जायज़ हैं, कोई ऐसी मांगे नहीं जो मानी नहीं जा सकती। जो मुख्य बातें हैं जो इनकी बताई इन्होंने कि रिवेल का रिज़ल्ट समय पर नहीं आ रहा है, तो उसके मैंने एग्ज़ाम कंट्रोल को बोला कि समय पर रिजल्ट आए, और एक और ने बताया गया कि रिवेल के एक एक करके या कम पृथक पृथक आते हैं तो वो भी पद्धति सही नहीं है, एक साथ रिजल्ट आना चाहिए, और उसके जो हार्ड कॉपी है वो हमारे नोटिस बोर्ड पर लग जाए और बाकी एग्ज़ाम थ्रू सेक्शन के थ्रू कॉलेज में चली जाए। सर, इनकी मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी? हाँ, कुछ मांगे तो आज ही पूरी हो जाएंगी, कुछ मांगे जैसे इन्होंने बोला है कि इसके बारे में जानकारी दी जाए, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जानकारी दी जाए, कुछ जो इन्हें रिवेल का बोला है कि एक ही साथ कर, वो मांगे तुरंत मान ली गई हैं। कुछ मांगे हैं जैसे कि जो उसमें थोड़ा समय लगेगा, जैसे इन्होंने बताया है कि 2000 रुपये जो शुल्क है रिवेल का उसको कम किया जाए, तो वो यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं रहता क्योंकि अध्यादेश के जरिए से फीस फिक्स रहती है, तो इसके हम लोग ज़रूर इसको सहानुभूतिपूर्ण तरीके से हम इसको विचार करके एग्जीक्यूटिव में पास कराने के बाद महामहिम जो राज्यपाल महोदय हैं उनके पास भेजेंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट होगा, इसमें अमेंडमेंट होगा अध्यादेश में, तो वही कर पाते हैं। अनुशंसा हम जरूर करेंगे इसकी कि वास्तव में यदि फीस 2000 रुपये ज़्यादा है तो उसको कुछ कम कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।